ग्यारह। अलग अलग स्लाइड है, अगर अलग अलग स्लाइड है तो हम पहले पूरा क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे करेंगे। ओके, कहता है गोल्डमैन कंपनी लिमिटेड है ऑपरेट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, एक फ्लेक्सिबल बजट है। व्हाट द एड कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, 80% कैपेसिटी, 90% और 100%। यानी कहता है कि हमें बनाना है, हमें फाइंड करना है। सर क्वेश्चन समझेंगे पहले, फाइंड करना है। एक तो 80% कैपेसिटी पे फाइंड करना है, 90% की कैपेसिटी पे फाइंड करना है और 100% की कैपेसिटी पे फाइंड करना है। शोइंग द प्रॉफिट दैट रिजल्ट वुड बी लेवल, जो भी है रिजल्ट वो रहेगा। द प्रेजेंट सेल्स आपका है वो है 8 लाख यूनिट और 10 रुपए का एक यूनिट हम बेचा करते हैं। दैट इज नॉर्मल लेवल 80%। यानी सर इस 80% कैपेसिटी पे हमने 8 लाख रुपए की सेल करी है, तो भैया 90% पे आपकी 9 लाख रुपए की सेल होगी और 100% पे आपकी 10 लाख की सेल होगी, सीधी सी बात है। और कहता है कि यूनिट, ये यूनिट है सर, यूनिट 10 लाख रुपए नहीं है, यूनिट है और 10 रुपए का एक बेचना है। इफ आउटपुट इंक्रीज टू 90%, अगर आउटपुट को इंक्रीज करें 90% तक, देन सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय। यानी कहते हैं कि अगर आउटपुट को यहां से खींच के यहां ले जाएंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है ना, कहता है सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 2.5%। एंड इफ आउटपुट रीच आउट 100%, इफ आउटपुट रीच आउट 100% तक चला जाएगा, देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 5% इन ऑर्डर टू द रीच वाइडर मार्केट। कहता है भैया जब यहां से यहां आओगे तो सेलिंग प्राइस कुछ और होगा, यहां 10 रुपए है ना, तो यहाँ पे 2.5% कम हो जाएगा, तो 10 रुपए का 2.5% कितना होता है, 2.5 पैसा, यानी 9.75 रहेगा। और जब यहां से यहां पे आओगे तो 9.5 रहेगा। पहले इस बातों को समझिए आप, समझ में आई बात आपको। आगे कहता है क्वेश्चन में, आगे कहता है द प्राइम कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, देखो प्राइम कॉस्ट क्या होता है सर, प्राइम कॉस्ट होता है हमारा लेबर, मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इन सभी का जो कॉस्ट आएगा ना जोड़ करके 5 रुपए पर यूनिट, कहने का मतलब यह है 5 रुपए पर यूनिट। मेड अप डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें से 3.5 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर जो है वो 1.25 रुपए का है, और इसके बाद ये है 25 पैसे का है। तो आप चेक कर सकते हो 3.5 रुपए और 1.25 रुपए कितना और 25 पैसे, तो बन गए ना 5। यानी इस 5 की डिटेल आपको अलग अलग दे दिया। लेबर कह दिया इसने सर कि आपका लेबर जो होगा वो होगा 1.25 रुपए का, 1.25, और ये होगा हमारा कितने का, 3.5, और ये होगा 0.25। तो इस हिसाब से ये बन गया हमारा 5 रुपए, जो कहानी कह रहा है। आगे कहता है क्वेश्चन में, इफ आउटपुट रीच 90% लेवल एक्टिविटी अबव द सेविंग, 5% अफेक्ट इन द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। कहता है जैसे ही हम 90% कैपेसिटी पे जाएंगे, हमारा जो मटेरियल का प्राइस है, यानी इसका प्राइस है जो मटेरियल का, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, लेबर ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ मटेरियल ये है, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, इसको साफ साफ लिखते हैं ना ताकि आपको अच्छा लगे। पहले पूरा क्वेश्चन ही बना रहे ना, मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई है। तो सबसे पहले कहा था इसने कि लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल कितने परसेंट पे काम होगा, 80% पे काम होगा, 90% पे काम होगा और 100% पे काम होगा। चलिए सर, 3 लेवल पे काम होने वाला है, इसको कॉलम बना के करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं हम। कहता है सर लेवल में देखा जाए ना, तो 80% लेवल पे जो आउटपुट है
आउटपुट यूनिट में वो है 8 लाख, तो आपको पता है यहां पे कितना होगा 9 लाख और यहां कितना होगा 10 लाख। अगर रेट की बात करें, सेलिंग प्राइस कहता है यहां पे है 10 रुपए, लेकिन जैसे यहां से यहां जाएंगे तो 2.5% कम हो जाएगा, दैट इज 9.75, और यहां से यहां जाएंगे तो 5% कम हो जाएगा, दैट इज 9.5। और कहता है सर जो हमारा प्राइम कॉस्ट है, यानी प्राइम कॉस्ट वो है 5 रुपए का, प्राइम कॉस्ट 5 रुपए। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जुड़ा हुआ है? मटेरियल है जो कि है 3.5 का, लेबर है 1.25, और डायरेक्ट एक्सपेंस है 0. इन सभी को जोड़ के 5 रुपए बनता है, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर, चलिए सर आगे देखते हैं। आगे कहता है अगर हमने लेवल बढ़ाया आउटपुट का तो उस केस के अंदर हमारा सेविंग हो जाएगा 5% अफेक्टेड द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल के अंदर 5% की सेविंग हो जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो अगर मैं रॉ मटेरियल लूं तो यहां पे तो 3.5 है, लेकिन 5% कम हो जाएगा जैसे ही हम आगे जाएंगे, सेविंग हो जाएगी 5% की, तो 3.5 पे 5%। और कहता है कि आउटपुट रीच 90%, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.325। आगे कंटिन्यू में क्या कहते हैं? इट कैन बी अफेक्टेड परचेज रॉ मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्समैन कमीशन विल बी 5% ऑन सेल्स वेन्यू। एक कहता है सर वेरिएबल ओवरहेड है जो कि हमारा सेल्स जितना भी करोगे ना, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, उस पर 5% कमीशन रहेगा। तो सर बाकी इसने ये नहीं कहा, मैं एक बार दोबारा लाइन पढ़ता हूं, आउटपुट रीच 90% लेवल एक्टिविटी अबव द सेविंग 5% कैन बी अफेक्ट इन द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर यहां पे भी यही आएगा 3.325, क्योंकि 90 के बाद इसके 5% की कमी आ गई। आगे कहता है सर ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि सेमी वेरिएबल हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल, जैसे कि ये सुपरविजन, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, मटेरियल, सेल्समैन कमीशन, इनडायरेक्ट लेबर, ये सारी चीजें। कहता है इन आर एक्सपेक्टेड, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% इस आउटपुट रीच 90%। कहता है ये सभी के सभी जो है ना वो 5% बढ़ जाएंगे अगर हम किस पे काम करें, 90% पे, ठीक है सर। फर्दर 10% रीच इफ 100%, अगर हमने 100% पे काम करना स्टार्ट किया तो ये सभी कितने बढ़ जाएंगे हमारे, 10% बढ़ जाएंगे। चलिए ओके सर। कहता है फिक्स ओवरहेड, सर ये फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड का मतलब जहां पे आपका रेंट रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, ये फिक्स है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। एक बार क्वेश्चन में देख लो इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे कट लगा दिया था मैंने, देखो क्वेश्चन के नीचे कुछ लिखा हुआ है। क्लास में दिक्कत आ रही है बच्चों को, एक बार चेक करके बताइए आप। क्वेश्चन तो मैंने पूरा बना दिया है, बस अब करना है, मैं अगले पेज पे फॉर्मेट भी बना लेता हूं। तीन लेवल ऑफ एक्टिविटी, जर्नल, एक बार बुक दिखाइए। ओके, जर्नल 50,000, ठीक है सर, पूरा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या था? कुछ बच्चे कहेंगे सर दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा, चिंता मत करो, मैं थोड़ा फॉर्मेट बड़ा बना रहा हूं ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए।
किस किस लेवल पे काम करना था, 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी। ठीक है, दो तीन चीजें लिखनी, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। चलिए, अब हमारे पास सवाल में सबसे पहले सेल्स है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। और जब कभी हमें सेल्स दे दे ना सवाल में सेल्स, तो हमेशा याद रखना आपको प्रॉफिट निकाल के दिखा देना। जब सेल्स दे दे तो आपको क्या निकाल के दिखा देना है, सिंपल सी बात है, हम प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे। क्योंकि सेल्स, अगर सेल्स नहीं देगा तो हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल के दिखा देंगे, खत्म कहानी। तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस तो बाद में ले लेंगे, क्या रहेगा, क्योंकि लेना तो पड़ेगा वैसे सेलिंग प्राइस। हमारा वेरिएबल में क्या क्या है, वेरिएबल में क्या क्या है यहाँ पे, अब ये जितने भी है ये सारे बढ़ने वाले हैं। ये किस लेवल कैपेसिटी पे दे रखा है हमें, ये दे रखा है नॉर्मल लेवल कैपेसिटी। और नॉर्मल लेवल कैपेसिटी कौन सा है हमारा, 80% को हम नॉर्मल लेवल कैपेसिटी कह रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात आपको, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिएगा, बस आप डिजिट बताते जाना, ये सबने देख लिया तो डिजिट बस बताते जाना मुझे। सबसे पहले मैं लेने वाला हूं मटीरियल, और मैं यूनिट भी लिख देता हूं, 800,000 यूनिट, 900,000 यूनिट और 1,000,000 यूनिट। 800,000 पे मटेरियल का प्राइस है 3.25, है ना, 3.25 इंटू में 800,000, दैट इज 2,600,000। और 900,000 पे कितना प्राइस है, 3. निकाला था ना हमने, 3.5 है भाई, 3.5 रॉ मटेरियल, 8,00,000, 28,00,000 होगा ये। और आगे देखा जाए तो कितना होगा, 3.325 कितने पे, 9,00,000, ये 29,92,500। तो 3.325 मल्टीप्लाई 10,00,000, ये आ गया 33,25,000। चलिए, इसके बाद मटेरियल के बाद क्या था हमारा, लेबर, इसमें तो कोई बदलाव नहीं था, ये कितना था, 1.25। तो 800,000 इंटू में 1.25, दैट इज 10,00,000। इसके बाद 900,000 इंटू में 1.25, दैट इज 1,125। इसके बाद सर 10,00,000 को करेंगे तो 12,50,000। इसके बाद था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस 0.25 से था, है ना, तो 0.25 ये आ जाएगा 2,50,000, 900,000 इंटू में 0.25, दैट इज 2,25, आगे आ जाएगा 8,00,000 इंटू में 0.25, 2,00,000। ठीक है, देखिए ये सारी जो थे प्राइम कॉस्ट वाला झंझट ये मैंने कर दिया। अब एक और वेरिएबल कॉस्ट में आएगा हमारा, जो कि बोल दिया इसने कि कमीशन होगा 5%। एक और वेरिएबल कॉस्ट में 31,50,000 होगा सर, 9 है प्रैक्टिस में, हाँ ओके सर, 90% वाला 31,50,000 होगा, देख लेते हैं, 31,50,000 होगा, कैसे निकाल लिया, इनटू, नहीं भाई वहां पे रेट चेंज हो गया, ये 3.5 नहीं, यहाँ रेट चेंज हो गया, बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट की सेविंग भी हुई थी ना 5% का, तो उसके हिसाब से निकाला है। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में एक कमीशन भी आएगा यहाँ पे, तो सर कमीशन निकालने के लिए हमें 80% पे सेल्स चाहिए, 90% पे सेल्स चाहिए और 100% पे सेल चाहिए। इस जगह पे सेल 10 रुपए है, तो इसका मतलब होगा सर 8,00,000 इंटू में 10, 80,00,000। इस जगह पे सेल्स हमारा कितना हो गया, 9.75 इंटू में 9,00,000। इस जगह पे हो गया हमारा 87,00,000, 75,000।
और इस जगह पे 9 पॉइंट कितना आ गया था, 5, 9.5 इंटू में 10 लाख, इस जगह पे आ गया 95 लाख। तो सर इसका कितने परसेंट कमीशन कह रहा है, 5%। तो यहाँ पे 80 लाख का 5% कितना होता है सर, 4 लाख। और सर 87.75 का 5%, 4 38 750। सर आगे 95 लाख का 5%, दैट इज आपका 475। चलिए सर अब सेमी वेरिएबल पे आ जाते हैं। सेमी वेरिएबल में क्या दे रखा है, सुपरविजर, सुपरविजन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो आसान मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको यहाँ झंझट नहीं है। क्या झंझट नहीं है सर, फिक्स वेरिएबल निकालना, सिर्फ लिखना है सुपरविजन। सुपरविजन कितना था, 80,000 था। अब आगे बढ़ गया हमारा कितने परसेंट, 5%, तो कितने हो गए, 84,000। आगे कितना बढ़ गया, 10%, तो कितना हो गया, 88,000। इसके बाद क्या था, पावर, पावर कितने हैं, 70। आगे बढ़ेगा हमारा तो कितना हो जाएगा, 73,500 और 77। इसके बाद क्या है, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइट 40 है। आगे बढ़ेगा तो कितना होगा, 2000, यानी सर 42 और आगे 44। मैं 5% और 10% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं आगे। हाँ मेंटेनेंस ये है सर 50,000, 52,500 और 55,000। इसके बाद सेल्समैन एक्सपेंस कितने, 7,000, 60,000, 60,000, तो ये आ जाएगा 63,000 और 66। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, ये भी इसी का पार्ट है, इनडायरेक्ट लेबर और ट्रांसपोर्टेशन, दो चीजें और लिखनी है ना, इनडायरेक्ट लेबर कितने, 1,00,000, 1,01,010 और ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सर 2,00,000, 2,10 और 2,20। अब आ जाते हैं सर फिक्स कॉस्ट पे। देखिए फिक्स कॉस्ट ये सारे दे रखे हैं, ऑलरेडी बोल दिया फिक्स ओवरहेड आर, तो फिक्स ही है सर ये। तो चलिए फिक्स ओवरहेड सबसे पहले क्या है, रेंट कितने हैं, 1,00,000, तो आपको सिंपल सा पता है ये। और इसके बाद डेप्रिसिएशन कितने, तो सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट कितने, चलिए सर आगे, एडमिन का एक्सपेंस का 7,500, आगे सेल्स डिपार्टमेंट कितने, 2,00,000, आगे जनरल 50। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला कि इसके अंदर जगह ज्यादा लगेगी। जनरल एक्सपेंस कितने, 50,000। इसके बाद बस और कुछ भी है नहीं, अब सीधी सी बात है, क्या करना है हमें, टोटल करना है। और सेल्स आपको पता है हर एक लेवल का मैं निकाल दूंगा, बाकी 3 आपका हम वक्त दे देंगे। मान लेते हैं पहले लेवल का कितने हो गए सर, 28,00,000, 10,00,000, 2,00,000 और 4,00,000, ये आ गया 44,00,000। और इसका निकाल लेते हैं 8,00,000, 7,00,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 और 2,00,000, ये अरे ये क्या आ गया, 80,000,
70,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 और 2,00,000, 6,00,000 रुपए, और इसका 20,00,000। अब पहले वाले का देखो, इस लेवल पे 80% लेवल पे सेल्स कितना था, 80,00,000, और टोटल कॉस्ट दे देता सर, टोटल कॉस्ट कितने हो गए, 44,00,000 प्लस 6,00,000 प्लस और प्लस 20,00,000, है ना, तो 20,00,000 है नहीं, हाँ किसमें, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 70,00,000 हो गया ना, 44,650 और 70,00,000। तो देखिए यहां पे भी आ जाएगा हमारा 70,00,000 का, तो यहां देखिए प्रॉफिट कितना आ गया, ये हो गया कॉस्ट, नीचे करते हैं समझाने के लिए, थोड़ी जगह की कमी है, एक समझ जाओगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे, ये हो गया कॉस्ट और ये क्या हो गया सेल्स, तो क्या निकलेगा प्रॉफिट कितने आ गए हमारे, 10,00,000। समझे बात आप, क्लियर है। एक और चेक कर लो आप, 29,2,99,2,500, 11,25,000, 2,25,000, 4,38,750, 47,81,250, ठीक है, इसके बाद 84,73,500। देखो मैं ही काम कर रहा हूँ इसमें, आप अगर कर लो तो ये दिक्कत ही ना हो, टोटलिंग का भी चेक कर लेना, मैं तो फटाफट करे जा रहा हूँ। 30,000 और इसका तो सेम ही रहेगा, दैट इज आपका 20,00,000। एक जीरो और 20,00,000, तो ये आ गया प्लस 47,81,250 और प्लस 20,00,000, ये आ गया 74,11,250। यहाँ पे आ जाओ 74,11,250, शायद किसी को नहीं दिख रहा हो तो भी माइनस करके दिखा देते हैं, -8,775, 13,63,750। चेक करिए आंसर, यही है। तो एक तो होमवर्क कर ही सकते हो आप, है ना, तो इस सवाल में क्या था, अब मैं, कोई बच्चा पूछे सर ऐसा भी आएगा एग्जाम में, तो मैं देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बाकी मैंने करा दिया, जितने भी फ्लेक्सिबल बजट से टफेस्ट क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को यही लग रहा था, जो काफी बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, बोला का पूछ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और था सवाल में कुछ नहीं, मैं मानता हूं कि पिछले सवाल से भी आसान था, बस आपको क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक बनाना था, क्योंकि पिछले आरे में क्या करते थे, ये कितना मुश्किल होता था, पहले वेरिएबल निकालो, फिक्स निकालो, फिर करो, और ये फिक्स है, ये तो एज इट इज आपको उतारना था, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना था, तो हो गया ये सवाल हमारा। तो एक इसको भी टोटल करके थर्ड वाले का आपका ये रहेगा, अरे होमवर्क, इसका डाउट लेके कोई बच्चा ना आए, ठीक है, दो हो गया, तो थर्ड वाले का हो गया हमारा होमवर्क। किसी को कोई डाउट, सर मटेरियल 9,00,000 में से, ठीक है मैंने लिख दिया है, कर दिया है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए।